हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट रूल ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्शन, ऑब्वियसली इट विल बी अ रीडिंग That would be timeless and definitely ये सबके लिए है। Collective reading है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगले 15 दिन आपका कैसे होगा और हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं। Alright, so उससे क्या होता है ना, प्रेजेंट सिचुएशन से आपको ये पता ज़रूर चलता है कि हमारे लाइफ में, मतलब आपकी ज़िंदगी में वर्तमान अवस्था अगर कुछ इस तरह से है, सो अगला 15 दिन में कुछ ऐसे ही होगा। सो इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन दैट वेदर दिस रीडिंग वुड रेजोनेट टू यू और नॉट। यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करो, वरना नेक्स्ट 15 डेज में जो भी कार्ड्स जैसे भी होते हैं, वी डू प्रेडिक्ट लाइक दैट, बट प्रेजेंट सिचुएशन करने से उसको हम इलाबोरेट करते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। पहले हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज। व्यूअर्स पर गाइड्स, प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द डे एंड नाइट, we do have butterfly garden, we do have the abracadabra, we do have elixir of life, tiny triumph, yahan pe hai 51 to the moon and the back, 24 द मारमेट्स लव। मारमेट और साइरन क्या होता है, आज हम आपको ये भी बताएंगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर जरूर करना चाहेंगे। ओके, सो वी डू हैव जेमिनी, मैजिशियन की कार्ड है, मिथुन राशि है यहाँ पे, वी डू हैव द डेविल, वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो बाकी साइंस के बारे में तो हम बाद में बताते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर टैरो कार्ड्स। सो लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं। यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके वर्तमान हालात किस प्रकार हैं। We do have Knight of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. We do have World card. यहाँ पे भी World और वहाँ पे भी आने वाला है World, देखो। We do have King of Athens, Three of Pentacles, Nine of Athens, Four of Cups, Four of Chalices, Three of Wands. Aries, Leo and Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo and Capricorn, ठीक है, सारे साइंस आ चुके हैं, Cancer, Pisces and Scorpio। आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ काम ऐसा कर रहे हो या करने के लिए आप मजबूर हो रहे हो, जो बेसिकली आप अवॉइड तो कर सकते हैं लेकिन आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर ऑफिस और इट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, या आप कुछ ऐसा है कि लिखना तो चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ राइटर, अगर आप एक राइटर है, मैं नहीं बोल रही हूँ यू आर लाइक यू नो अ फेमस राइटर, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने जस्ट शुरू किया है कुछ लिखना और आपको शब्द भी मिल रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी मिल रहा है, नो डाउट आपके पास वो सारे फैक्ट्स है, फिगर्स है, लेआउट है, चार्ट है, सब कुछ है,
ठीक है, फिर भी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, मे बी आपके सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, मे बी पब्लिकेशन, ठीक है, मे बी आप जहाँ पे प्रचार करना चाहते हैं वहाँ पे, मे बी लाइक यू नो योर व्यूअर्स योर फॉलोअर्स लाइक द टॉपिक्स, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो रहे हैं जहाँ पे नियम कानून बन रहा है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपका भी मन खराब है, कुछ लोगों के लिए आप सीक्रेट रिलेशनशिप में जब से आए हैं तब आप ना कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बट रात को सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी हो रही है कि मैं बोल दूँ सबको या ना बोलूँ, क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, मैं कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता, ये तो मेरे जीवन को खोखला बना देगा। कुछ ऐसे चीज़ हो रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी जैसा कुछ भी नहीं है, यू आर फीलिंग वेरी मच यू नो व्हाट लाइक एन एम्प्टी वेसल, आपको लग रहा है कि खाली कटोरी बन गई हूँ मैं, ठीक है, और जैसे सबके इमोशंस है और मेरे ही नहीं है क्या, वो नहीं हो सकता, सब मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी दे रहे हैं। सो यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, इफ़ यू वॉन्ट ऑल्सो टू एक्सपेंड, आप चाहते हो कि आपका ग्रोथ हो, पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, बाहर जाने का, या एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं, कोलाब्रेशन आप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाता है, आपके रिव्यू आपके जो रिज्यूम है आपके जो सीवी है वो सिलेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जब आप जा रहे हो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो देख के ही आपको जेलस हो रहे हैं, तो वो क्या ही आपको सिलेक्ट करेंगे, दे आर बिकमिंग जेलस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, दे आर बिकमिंग जेलस लाइक ऑफ योर प्रेजेंस, आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हॉर्मोन्स लेवल आर नॉट लाइक दैट, ठीक है, सो यू प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। अगर मैं नहीं बोलूँ कि सबके साथ हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से क्या होता है, इरिटेशन होते हैं, बॉडी वेट बढ़ जाता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फोर्थ एक्नेस का तो प्रॉब्लम होता ही है, डाइजेशन का भी इश्यूज आ जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है, उस तरह से है। सो अगर आप इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, सो यू शुड विजिट अ डॉक्टर, एंड यू आर लाइक यू नो आपके पास जैसे होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मौजूद नहीं है ना। अगले 15 दिन में क्या होगा, अगले 15 दिन में आप बोल सकते हैं आपके कंट्रीब्यूशन आपके इनिशिएटिव रंग लाएगा, ठीक है, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, यू विल फील दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और आपके वॉइस से आपके कमांड से लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड, ठीक है, आपका अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो लिखने की शक्ति कहीं ना कहीं पे आपके हाथ में कुछ जादुई अंदाज, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका काम जो है क्रिएटिव है। लास्ट नाइट आई वाज जस्ट चेकिंग आउट सम वीडियोस ऑफ सम केक्स, और वो केक का है क्या जैसे कोई किताब की केक है वो तो मैंने देखा, बट एक रेफ्रिजरेटर भी केक है, सब कुछ केक है, एक समुंदर का जो जगह है उसने पूरा आपको लगेगा देख के कि समुंदर ही है, ठीक है, बट वो केक है, सो इट्स लाइक अ मैजिकल क्रिएशन। उसी तरह से आपका परफॉर्मेंस भी लोगों के अटेंशन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रैब करने वाला है। इवन आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एंड हियर इज़ द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, कुछ इंटॉक्सिकेशन के वजह से कुछ बाहर आपका खाना खाने की आदत हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जैसे होता है दे हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग स्मोकिंग और सम अदर हैबिट्स लाइक रात के समय पे ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन सी लाइक यूजिंग द इंटरनेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कंप्यूटर के सामने बैठना जैसे आदत हो जाना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सारे चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे एंड डेफिनेटली कुछ ऐसा जैसे बोला जाता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ मतलब अमृत, ठीक है, कुछ ऐसा पोशन POTION पोशन या कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा खाने के लिए हो, ठीक है, और लेने के लिए हो ऑब्वियसली,
दैट विल बी प्रेस्क्राइब बाय अ डॉक्टर और अ फिजिशियन, जो आपको फिर से एक नई उम्मीद की तरफ लेके जाएंगे। या आप किसी को जानते हो उनके लिए देख रहे हो, तो छोटी छोटी जीत ही आपके लिए बहुत बड़ा एक मतलब लाइफ चेंजिंग फैक्टर होगा। कुछ लोगों के लिए आप आगे पीछे जा रहे थे, आपका हाई डिपेंडेंसी फैक्टर था किसी के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे थे, जैसा वो है तो आप है, अगर वो नहीं है मौजूद तो आप नहीं हैं। मे बी ये आपके ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, पार्टनर के साथ हो सकता है, तो ये को डिपेंडेंसी फैक्टर कम हो जाएगा। आई कैन ऑल्सो सी कि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपके पेट में गुदगुदी होगी, लाइक ऐसा लगेगा कि जो है ना तितलियाँ घूम रही है। आपको लोग पूछेंगे या आपके आपके जो है पार्टनर पूछेंगे कि आप कैसे हो, इतना समय सब क्या कर रहे थे। मे बी रीयूनाइट, ओके, रीयूनियन विद अ पार्टनर और रीयूनाइट विद अ यू कैन से ओल्ड फ्रेंड, तो कैसी है, तो क्या कर रही है, तो क्या कर रहा है, ये सब कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, मेक्स योर यू कैन से दैट मेक श्योर दैट यू आर रेडी विथ योर पासपोर्ट्स और यू आर रेडी विथ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका बैगेज रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत आपको निकलना पड़ सकता है अपने सूटकेस को लेके, ट्रॉलीज को लेके, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एंड जिस अवार्ड का आप इंतज़ार कर रहे हो या जिस लेवल तक आप पहुँचना चाहते हैं, मे बी विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, उतना मेजॉरिटी नहीं बट माइनर फॉर्म ऑफ सक्सेस विल बी डेफिनेटली देयर। एक स्टेप तो आप ज़रूर आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड्स आ रहे हैं या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्स। वी डू हैव अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। आप देखो यहाँ पे है 4, विच इज लाइक द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, यू नो वर्ड, यहाँ पे भी देखो आज थोड़ा सा केयरफुली अगर आप नोटिस करते हैं कार्ड्स को, मेरा ऐसा ही आता है, सिर्फ एक बार नहीं ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा ही होगा कि सिमिलरिटीज यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये भी गुलाब की तरह, इसकी खुशबू आप सूख रहे हो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, और आपके लिए कुछ इसी तरह से है कि आप, आपका इंट्यूशन ही आपको कह देंगे कि ये गलत है या ये सही है। सो मेक श्योर कि आप अपने जो है, अपने जो दिल है, जिसको बोला जाता है कि इट इज़ द पैसेज वे टू द डिवाइन, हमारे हार्ट सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ठीक है, हमारे जो नाक है वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, हमारे जो स्किन है वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है, बट थ्रू ऑल द सेंसेस ना वी ऑल गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन। सो आप जितना डिवाइन के पास कनेक्ट हो रहे हो उतना ही आपको फीडबैक वहाँ से मिल रहा है, और आप उसी के अनुसार आप काम कर रहे हो और फिर आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, वरना एक इंडिविजुअल के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल बी कमिंग सो मच क्लोज टू द डिवाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and...